हेलो डियर सभी स्टूडेंट्स, और आज हम जॉब की बात करेंगे। तो आपको बता दें कि जॉब बहुत कठिन हो गया है मिलना, बहुत संघर्ष हो गया है। बहुत संघर्ष करेंगे तभी आपको जॉब मिलेगा। पहले का जमाना बदल गया है। अब पहले के जमाने में तो जॉब के लिए लोग घर से उठा के ले जाते थे, भाई कहाँ से उठा के ले जाते थे, घर से। लेकिन अब बहुत चेंज हो गया है वो जमाना और वो युग बीत गया। अब आते हैं संघर्षमय जीवन में। आज तो मतलब वो संघर्ष है कि अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स के दरमियान आप मन लगा के, तन मन लगा के बहुत मेहनत से पढ़े। जैसे कोई त्योहार है, नातेदारी है, रिश्तेदारी है, और आलतू फालतू समय, ये सबको आपको बचाना है, हर हाल में बचाना है। और बचा के जो आपका कोर्स है उस पर फोकस करना है आपको। उस कोर्स को ऐसे पढ़ना है कि हम उसके बाद जॉब को पा जाएं। चाहे जो कोर्स हो, बीएड हो, बीपीएड हो, बीटेक हो, पॉलिटेक्निक हो, एनम जेनम, कोई भी कोर्स ले लीजिए आप। अगर उस कोर्स को आपने भली भांति अच्छे से पढ़ा है तो जरूर कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा, या जो कंपनियां आती हैं, या जो और कंपनियां, या एडवर्टीजमेंट जो आते हैं, या भारत सरकार और राज्य सरकार के जो वैकेंसी निकलते हैं, आप सफलता अवश्य पाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने मेहनत से पढ़ा है तो जरूर जा पाएंगे। और हम आपको बता दें, हमारे संस्थान आर्यावर्त ग्रुप में दीनदयाल प्रशिक्षण ग्रामीण कौशल का केंद्र खुला है। यहाँ पे देखिए कोचिंग चलता है। अम्मा ट्रस्ट के द्वारा आर्यावर्त ग्रुप, सबको हुनर सबको काम, ये आज का मेन मुद्दा बन गया है कि आपके पास हुनर है तभी आपको काम मिलेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। और ये देखिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश राज्य के हमारे सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी सबको हुनर सबको काम, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन का प्रचार हो रहा है। और हमारे यहाँ सेंटर भी खुल चुका है आर्यावर्त ग्रुप में। तो जो स्टूडेंट प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस नहीं लगेगा, रहना खाना सब फ्री है यहाँ संस्थान में। तो हम जो बेरोजगार स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे संस्थान आर्यावर्त ग्रुप में आकर अपना एडमिशन लेकर सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसा बताया कि अगर आपको जॉब की आवश्यकता है तो आपको अच्छा प्रशिक्षण की आवश्यकता है, आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। और जो भी कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स को भी भलीभांति आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम जॉब्स के बारे में अंदर चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि कितनी भीड़ होती है और कहाँ कहाँ आपको जॉब मिलेगा। रिटेल है, फाइनेंस है, अन्य बहुत कंपनियां है, मारुति सुजुकी है, टाटा मोटर्स है, तो बहुत जॉब्स बहुत है। बस आपके अंदर क्या है, आपको अंदर क्वालिटी लानी है। अगर आपके अंदर वो क्वालिटी है तो पक्का है जॉब मिलेगा। बात मेरी समझ रहे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो में बने रहें और आगे देखें हम जॉब्स के बारे में क्या बताते हैं आपको। हैं छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और प्रशिक्षण इनका होगा रिटेल मैनेजमेंट। ये कोर्स पूरा निःशुल्क है, सभी छात्र आ चुके हैं और इनका प्रशिक्षण होगा कैसे इनको आत्मनिर्भर बनना है और कैसे इनको हुनर अपने आप में पैदा करना है। वो तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, इनका प्रशिक्षण केंद्र है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना प्रशिक्षण का नाम है। आप देख रहे हैं अम्मा ट्रस्ट के द्वारा आर्यावर्त ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लखनऊ में संपन्न हो रहा है कार्यक्रम पूरा। और इसके जो कार्यक्रम के सीईओ हैं श्री पिंटू कुमार जी हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया धन्यवाद देंगे कि इतना अच्छा प्रशिक्षण ले आए हैं हमारे आर्यावर्त ग्रुप ऑफ एजुकेशनल में।
यहाँ पे बता दे आपको कि पूरी शिक्षा निःशुल्क है, रहना खाना पीना सब आपको मिलेगा। भारत सरकार की स्कीम है, सभी छात्र आ चुके हैं, इनको रिटेल और सेल्फ स्टैंड होना है, कैसे होना है सब पढ़ाया जाएगा इनको। तो ट्रेनिंग शुरू हो चुका है, छात्र इंटर कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग लेने के लिए। आज इनका प्रशिक्षण होगा और कैसे ये स्टैंड करेंगे, कैसे अपने आप को खड़ा करेंगे, आज ये समझ जाएंगे सब, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। सबको प्रोग्राम अच्छा लगा? Yes, एक चीज और माइंड में सेट कर लेना, कोई बच्चे अगर तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहा है, रेलवे का तैयारी कर रहा है या जो भी जनरल तैयारी कर रहा है, हम अगर आप लोग ऐसे बच्चे मैक्सिमम रहोगे कि सर हम जनरल तैयारी करते हैं, तो यहाँ पर एक दो घंटे हम जनरल की क्लासेस चलवा देंगे, ठीक है, जिससे क्या होगा तो डिलीवर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कहने का मतलब इन सब कोर्सेज के बाद एक डेढ़ घंटा पढ़ने नहीं हुआ तो कम से कम अल्टरनेट दो घंटा किसी दिन रीजनिंग का, किसी दिन मैथ का, आप लोग जैसा बताओ तो वैसा आने का टीचर बिहार करवा देते हैं। कहने का मतलब मेरा मेन मकसद क्या है, आप लोग रोजगार देंगे, प्राइवेट नहीं कुछ सरकारी देंगे। अगर आप लोग जैसे तैयार हो जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कहोगे तो गवर्नमेंट करेंगे इन सब की ट्रेनिंग दो, आप लोग अगर कहोगे सर हमको अगर मैथ पढ़ा दीजिए एक दो घंटे, रीजनिंग पढ़ा दीजिए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे आठ घंटे हम दस घंटे का लगा देंगे, बच्चे यही रहने हैं, तो आप लोग इनकी सब इन सब चीजों के लिए आपको सहायता दी जाए, ठीक है। मेडिकल अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको फ्री है, रहना खाना फ्री है, खेल कूद फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है। इसके बाद यहाँ पे आप जिस कैंपस में बैठे हो आपने मेन गेट पे देखा होगा, इस कैंपस का क्या नाम है, किसने पढ़ाया आप लोग, याद है? आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, एक बहुत बड़े एक कॉलेज है, इसमें कई तरह की कोर्सेज होती है। आप चाहें तो कॉलेज में बाहर सर मिलेंगे, सर बच्चों को कैलेंडर दे दीजिएगा, उसमें बहुत सारी कोर्सेज हैं। कुछ ऐसे बच्चे अगर हैं जिनका एडमिशन लेना हो तो वो भी आप कॉलेज वाले से बात कर लेना, उसमें क्या होगा आपकी अगर कुछ एडमिशन नहीं हो रही है, कुछ हो रही है, कोई समस्या हो तो हम फोन कर देंगे, तो वो भी तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। इस कॉलेज में आर्यभट्ट ग्रुप इंस्टीट्यूट में यहाँ पे बहुत सारे बीएड होता है, बहुत सारी कोर्सेज मुझे भी याद नहीं है, आप लोग देख लेना जो ट्रेनर सर देंगे, उसमें बहुत सारी कोर्सेज है, आपको लेना हो, आपके पेरेंट्स को लेना हो, आपके फैमिली को लेना हो, सिस्टर को लेना हो, ब्रदर को लेना हो, तो वो भी आपको सुविधा मिल जाएगी। मतलब एक ही कैंपस में आपको कहीं भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है, यही आप लोग सुविधा देगा। अच्छा आपको अभी रेडी टू मूव हो या कोई एग्जाम वगैरह हो, मैक्सिमम मैं चाहता हूँ मेजोरिटी में इतने ऐसे बच्चे हो जो कभी भी आने के लिए रेडी हो, हाँ नहीं, मतलब कितने ऐसे बच्चे हो ट्रेनिंग लेने के लिए, अगर आज हम बोल दें तो कल परसों तरसों नरसों से किसी भी दिन रेडी है, बैठे बच्चे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी रेडी नहीं है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी दो चार पांच दिनों में रेडी नहीं है, सब रेडी हो जो से पूरे तो आप लोग हैं। सुनिए मैं अनाउंस कर देता हूं,
5 तारीख को सुबह, सुबह कहने का मतलब 9 बजे 10 बजे, मैक्सिमम 10:30 बजे, ये ऑफिस टाइम होती है। इसके बाद अगर आ सकते हैं तो ठीक है, लेकिन 10:30 में क्या होता है, हम लोग भी रहेंगे, टीम भी रहेंगी, और मॉर्निंग का एनर्जेटिक रहता है 10:30 बजे तक विद लगेज वगैरह। लगेज मतलब आपके जो डेली बेसिस का जो कपड़े हैं, अगर कोई तैयारी कर रहा है तो कुछ बुक्स वगैरह हैं, लेकिन कोई कीमती सामान नहीं, माइंड में सेट कर लेना। अगर कभी कोई कंप्लेन आई कि सर हमारी दो भर की चैन थी वो गुम हो गई, इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी सिक्योरिटी की, आपकी मेडिकल की, सब चीज की जिम्मेदारी हमारे पास है। और एक चीज मैंने आपको बताना ही भूल गया, जिस दिन आप यहां पे आओगे 5 तारीख को आओगे, अभी जो मैंने बोल दिया 5 तारीख को आपसे ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगे, 5 तारीख को तो पूरे दिन कर देते हैं, 5 तारीख को दिन में शाम तक 4 बजे तक कभी भी आप आ जाओगे तो पहले बैच में आप लोग कहीं भी डब हो जाएंगे। शाम तक मान लो कहीं जाना हो तो मैं 10 बजे सुबह जल्दी हो जाती है, शाम 4 बजे तक आप लोग यहाँ आकर के यहाँ सेंडेस पे साइन कर देना और अपना सीट बुक करा लेना है, आपको कमरा मिल जाएगा 4 बजे से भी, क्योंकि रात में खाना बनता है 8 बजे, तो 4 बजे के आपको नॉमिनेट हो जाएगी, ठीक है। जिस दिन आप आ जाओगे ना, उसके अगले दिन से आपको इंश्योरेंस किया जाएगा। इंश्योरेंस समझते हैं आप लोग, जितने बच्चे यहाँ ट्रेनिंग करेंगे उन सभी बच्चों को हमारी संस्था जब तक यहां ट्रेनिंग करेंगे उन बच्चों को इंश्योरेंस कवर करता है। देखो बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो भारत सरकार की योजना है कि कुछ भी अगर भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि कहीं कुछ बच्चों को कोई दिक्कत हो, इसलिए आपको ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले 5 को आप करोगे 6 तारीख से आप लोग की इंश्योरेंस कवर की जाएगी। वो आप लोगों को नहीं करना है, कराएगी कौन, हमारी संस्था कराएगी। आप लोगों को पैसा नहीं देना है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देना है, कुछ नहीं देना है, ये बात आप लोग माइंड कर लीजिएगा, ठीक है। 5 तारीख को पहली बैच। इसके अलावा अगर आपके गांव, आपके रिलेटिव लखनऊ शहर के कोई भी, लखनऊ मतलब नगर निगम नहीं, ग्राम पंचायत में कोई भी ऐसा बच्चा हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, उन बच्चों का एडमिशन यहाँ हो सकता है अगर वो 17.5 साल से लेकर के 35 के बीच में है। सेकेंडरी अगर उनको नौकरी करना चाहते हैं, अगर वो जरूरतमंद है, अगर वो सच में जोकर रोजगार करना चाहते हैं या सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन सारे बच्चों के यहाँ पर एडमिशन हो जाएगी। तो 5 तारीख से पहले और आपके जितने मित्र हैं, जानने वाले हैं, उनको आप भेज करके एडमिशन दिलवा दीजिएगा, या सब लोगों का नंबर ले लीजिए, वो आपके गांव जाते ही रहते हैं, वहां उनसे मिलवा लीजिएगा, ठीक है। 3 या 4 तारीख को फिर से एक प्रोग्राम होगा जिसमें आप लोग नहीं, दूसरे बच्चे आ रहे हैं, तो जो बच्चा पहला यहाँ सर्टिफिकेट जमा कर देगा, उनका डॉक्यूमेंट जमा कर देगा, उनका डर है, जिनका उम्र कम है उनको भी नहीं घबराना है, अपना डॉक्यूमेंट जमा कर लो, जब तुम्हारी उम्र होगी तो यहाँ एडमिशन पहले से हमारा हो जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपको मन में है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देंगे, यहाँ पे कई प्रकार का जॉब्स दिया हुआ, सब अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे, उसके बाद युवाओं को रेलवे में अप्रेंटिस का मौका भी मिल गया है, आज से करेंगे आवेदन, और आवेदन जो होगा वो 1 सितंबर तक होगा, और आपको 7 से 8 हज़ार तक तनख्वाह भी मिलेगा, इसलिए सभी स्टूडेंट जल्दी करें। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरा विलाग 2 कैसा लगा आपको बताना है, और विलाग 2 अब मेरा समापन हुआ। यहाँ मैंने दिखाया आपको कि स्टूडेंट ट्रेनिंग करेंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे, हुनर अपने अंदर ले आएंगे, और ट्रेनिंग करके उनको जॉब भी दिला जाएगा, इसकी गारंटेड है इस संस्था की। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट।
प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल लाइव सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे तमाम बच्चे जो गरीब हैं, दूर के हैं, इस कोर्स को पढ़ सकें। बहुत ही अच्छा कोर्स है, मैंने दिखाया है, मेहनत किया आपके लिए। आपका फर्ज भी बनता है कि लाइक करें, जो निःशुल्क है सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं ताकि और स्टूडेंट्स इस ट्रेनिंग में आएं और सीखें। ओके, धन्यवाद सबका।